नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को किया फोन, सरकार बनाने का रास्ता हुआ साफ। तो वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर लेंगे, गोदी मीडिया पर जमकर भड़की कांग्रेस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल और बीजेपी मिलकर रच रहे हैं साजिश। ऐसे ही और भी तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मिले। और एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। महाराष्ट्र, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को किया फोन, कहा शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तैयार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें महाराष्ट्र में सरकार बनाने का पेच फंसा हुआ है। सोमवार को दिन भर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से बात की है। इस दौरान शरद पवार ने शिवसेना प्रमुख को बताया है कि राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी शिवसेना के साथ सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार गठन को लेकर एक राय नहीं बना पा रही है, इस कारण इसमें देरी हो रही है। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी कांग्रेस विधायकों के भी संपर्क में है। आपको बता दें कि शिवसेना को और समय देने से इनकार करने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल ने एनसीपी को 24 घंटे का समय दिया है। देर शाम एनसीपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात भी की, जिसके बाद पार्टी की ओर से कहा गया कि हमने राज्यपाल से कहा है कि अपने सहयोगी दल से बात कर सरकार गठन के बारे में कोई जवाब देंगे। एनसीपी नेता ने कहा कि राज्यपाल को हम रात 8:30 बजे तक अपना जवाब देंगे। उधर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि नतीजों के 18 दिन बाद भी अब तक सूबे में सरकार नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बात कर ही हम सरकार गठन को लेकर कोई फैसला लेंगे। पार्टी नेता ने कहा कि इस बारे में सोनिया गांधी से भी चर्चा चल रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल के आई, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को किया फोन, कहा शिवसेना के साथ सरकार बनाने को हम है तैयार, कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं इंतजार। इस खबर को लेकर के दोस्तों जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आइए अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट दोस्तों बताते हैं। महाराष्ट्र, वे करें तो चाणक्य जिंदाबाद, हम करें तो घोर अवसरवाद। पत्रकारों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का ताना। यहां पर दोस्तों आप लोगों को बता दें गोदी मीडिया हो गई है जमकर ट्रोल। क्या कुछ है पूरा मामला वो जान लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सोमवार को हुए राजनीतिक घटनाक्रम का बचाव करते हुए कांग्रेस ने मीडिया पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक ट्वीट के जरिए अमित शाह पर निशाना साधते हुए मीडिया पर ताना मारा। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि वो करें तो चाणक्य जिंदाबाद, हम करें तो घोर अफसरवाद। टेलीविजन पर मची अफरा तफरी और हाहाकार है मीडिया के मेरे साथियों, आपकी जय जयकार है। ये यहां पर ट्वीट किया गया है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की तरफ से, और अमित शाह और मीडिया को जमकर निशाने पर लिया है अपने इस ट्वीट में। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें खेड़ा के इस ट्वीट पर कई लोग भी मीडिया को कोसने लगे और पत्रकारों के लिए गोदी मीडिया, दलाल जैसे शब्द कहने लगे। एक यूजर ने कुछ पत्रकारों की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज शिवसेना के सरकार बनाने से दलालों को बड़ा दर्द हो रहा है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने पूछा कि मीडिया से पूछो क्या देवेंद्र के बाद अब नरेंद्र का नंबर है। तो वहीं दोस्तों एक अन्य यूजर ने कुछ इस अंदाज में पवन खेड़ा की बात और सरकार बनाने के लिए किए गए गठजोड़ का समर्थन किया है। अपनी हिम्मत से रुख को मोड़ दिया, उन्हें घुटनों पे लाके छोड़ दिया, जो मुझे तोड़ने को निकले थे उनका सारा घमंड तोड़ दिया। यहां पर दोस्तों लोगों की तरफ से ट्वीट किए गए हैं और गोदी मीडिया और अमित शाह को जमकर निशाने पर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल के आई, कांग्रेस पार्टी ने जमकर लिया है निशाने पर मीडिया को और अमित शाह को, और कहा है कि वे करें तो चाणक्य जिंदाबाद, हम करें तो घोर अफसरवाद। क्या आप लोग भी कांग्रेस पार्टी की इन सभी बातों से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी की बातों का समर्थन कर रहे हैं। आइए अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट दोस्तों बताते हैं।
बीजेपी पर भड़के संजय राउत बोले, राष्ट्रपति शासन की रची जा रही है साजिश, गवर्नर पर लगाया भेदभाव का आरोप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में सियासी गतिरोध और उठापटक के बीच शिवसेना के नेता संजय राउत के ताबड़तोड़ हमले जारी है। लगातार तीखे तेवरों से सुर्खियों में बने रहते संजय राउत ने अब गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी पर सिलसिलेवार आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि राज्यपाल की तरफ से हमें थोड़ा सा भी और समय नहीं दिया गया, जबकि बीजेपी को 72 घंटे का समय दिया गया था। हमें और थोड़ा समय दिया गया होता तो हम बहुमत सिद्ध करते, लेकिन यहां पर आपको बता दें, एनसीपी को राज्यपाल की तरफ से न्योता दे दिया गया। संजय राउत ने कहा कि यह राष्ट्रपति शासन लगाने की बीजेपी की रणनीति है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, जमकर निशाने पर लिया है महाराष्ट्र के राज्यपाल को और बीजेपी को, और कहा है कि यहां पर साजिश रची जा रही है राष्ट्रपति शासन लगाने की। यह बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। आइए अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार गठन के लिए एनसीपी के पास आज शाम तक का समय, कांग्रेस से बैठक के बाद होगा फैसला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर सोमवार को विचार मंथन का काफी लंबा दौर चला और पार्टी की शीर्ष निर्णायक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक हुई, किंतु इसके बावजूद पार्टी में इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति कायम रही। कई घंटों के विचार मंथन के बाद पार्टी ने तय किया कि इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ और विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने के अपने विकल्प भी अभी खुले रखे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बड़ी खबर निकल के आई, सरकार गठन के लिए एनसीपी के पास आज शाम तक का है समय, कांग्रेस से बैठक के बाद होगा कोई फैसला। आइए दोस्तों अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। सोनिया गांधी ने फिर उद्धव ठाकरे को किया फोन, दूसरे दौर की बातचीत हुई शुरू। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने एनसीपी की शर्तों को मानते हुए केंद्र में बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है। इसी कड़ी में मोदी सरकार में शिवसेना के एकमात्र मंत्री अरविंद सावंत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सावंत केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय देख रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर दूसरी बार बात की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि अभी तक हमने शिवसेना को समर्थन का पत्र नहीं दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों को बता दें, शिवसेना ये नहीं सिद्ध कर पाई राज्यपाल के सामने कि हमारे पास बहुमत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक वो चिट्ठी नहीं दी है विधायकों के समर्थन की शिवसेना को, या कह लीजिए राज्यपाल को नहीं दी है अभी तक वो चिट्ठी जिसमें कि विधायकों का समर्थन होना था, ताकि शिवसेना ये सिद्ध कर पाए कि उसके पास वो मैजिक फिगर है जिसकी बदौलत वो सरकार बना सकती है। इसी को लेकर के शिवसेना की तरफ से 48 घंटे का समय मांगा गया था, लेकिन राज्यपाल ने शिवसेना की मांग को ठुकराते हुए मांग खारिज कर दी और एनसीपी को यहां पर न्योता दे दिया है सरकार बनाने का। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहां पर दूसरे दौर की बातचीत हो गई है शुरू सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच में, लेकिन आपको बता दें, शिवसेना अड़ी हुई है कि इस बार मुख्यमंत्री होगा तो शिवसेना का ही होगा। दोस्तों ये भी शिवसेना का साफ कहना है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई, आइए अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट दोस्तों बताते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव, भाजपा को करारा झटका, सहयोगी एजेएसयू ने बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ उतारा अपना उम्मीदवार। आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सियासी ड्रामा जारी है और सहयोगी शिवसेना ने भाजपा को करारा झटका देते हुए 30 सालों का राजनीतिक संबंध तोड़ लिया है। इन सबके बीच भाजपा के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी आजसू ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको दोस्तों बता दें, भाजपा की सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू ने अपने 11 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि आजसू ने भाजपा के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, भाजपा को करारा झटका लगता हुआ झारखंड विधानसभा चुनाव के अंदर। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई, आइए अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट दोस्तों बताते हैं।
होटल में ठहरे शिवसेना विधायकों को है पूरा भरोसा, सीएम उन्हीं की पार्टी का बनेगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, शिवसेना के विधायक और पार्टी को समर्थन देने वाले 8 निर्दलीय विधायक मुंबई के मलाड में रिट्रीट होटल में ठहरे हुए हैं। इन विधायकों को मातोश्री से पार्टी हाईकमान के अगले निर्देशों का इंतजार है। शिवसेना के कुछ विधायकों ने बताया कि जो भी हाईकमान से निर्देश मिलेगा वो उसका पालन करेंगे। शिवसेना विधायक जो बात एक सुर में कह रहे हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री तो इस बार शिवसेना का ही बनेगा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों को बताई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।